मॉर्निंग मैम, बी एड फर्स्ट ईयर, आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कल मैंने आपको अभ्यास प्रविधि बताई थी, आज मैं आपको बता रही हूँ उदाहरण प्रविधि। अगर हम उदाहरण प्रविधि की बात करें तो वित्तीय लेखांकन शिक्षण में उदाहरण प्रविधि का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। शिक्षक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से या अपने पाठ को अधिक से अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को काम में लेता है। हम ये कहते हैं कि जो कंटेंट बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अगर हम उन्हें उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो उन्हें वो इजी गोइंग में समझ में आ जाएंगे। उदाहरण से किसी भी सूक्ष्म विचार को स्थूल रूप प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि छोटे से छोटा जो कोई भी विचार होता है उसे स्थायी रूप प्रदान किसके माध्यम से किया जा सकता है, उदाहरण के माध्यम से ही। हम एक व्याख्या विधि के माध्यम से जब बच्चों को समझाते हैं, जब तक उसमें उदाहरण काम में नहीं लेते तो उदाहरण के माध्यम से बच्चे को वो एक स्थायी रूप से क्या हो जाता है, उस चीज़ को समझा जा सकता है। इसी के साथ बात करें तो किसी सूक्ष्म विचार की स्पष्टता के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म की बात करें या सूक्ष्म विचार की बात करें तो इसी के साथ साथ अमूर्त जो विचार होते हैं, अमूर्त विचार से मूर्त विचार की और कठिन से सरल की ओर, और ये माना जाता है सरल से बोधगम्य की ओर। तो इस तरह जो होता है कि कठिन जितने भी कठिन जो कंटेंट होते हैं उसे हम सरल से सरल बना सकते हैं, किसके माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से। जैसे अरोचक विवरण होता है तो उसे रोचक तथा अस्पष्ट विचार में क्या करना चाहिए, स्पष्टता लाने के लिए हमें क्या करते हैं, उदाहरण प्रविधि का उपयोग करते हैं, या ये विधि बहुत अधिक आवश्यक मानी जाती है। उदाहरण, अब बात आती है उदाहरण से, तो उदाहरण मौखिक रूप से भी हो सकते हैं और प्रदर्शनी सामग्री द्वारा भी दिए जा सकते हैं। किसी भी तरह हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण प्रविधि का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण की प्रस्तुति करते समय हमें, अब जब हम उदाहरण प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का क्या देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है इसके अंदर की प्रस्तुति छात्रों के उन अनुभवों पर व्यक्तिगत अपेक्षात्मक उदाहरण कक्षा में कभी भी छात्रों के सामने
के अंदर उदाहरण भूमिका के लिए उदाहरण की भाषा सरल सुबोध छात्रों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल उदाहरण जिससे छात्र विषय वस्तु को आसानी से देखो, सबसे पहले जब उदाहरण का प्रस्तुतिकरण देना चाहता है तो छात्र के पूर्व अनुभवों पर ही उदाहरण क्या होने चाहिए आधारित होने चाहिए, जिससे बच्चों को वो चीज़ समझ में आए कि हम जो कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले से उन बच्चों को उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। व्यक्तिगत अपेक्षात्मक उदाहरण कक्षा में कभी भी छात्रों के समूह प्रस्तुत किए जाने चाहिए, मतलब एक तरह से होना चाहिए कि बच्चों के दैनिक व्यवहार से या उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं के कारण हमें कक्षा में प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरण भिन्नता के लिए होने चाहिए, मतलब एक तरह से भिन्नता के लिए अलग अलग व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो उदाहरण होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चों में एक तरह से समसामयिक जैसे जनरल नॉलेज जो होती है हर तरह की जितनी भी घटना हमारे देश के अंदर घट रही है उससे रिलेटेड भी क्या होना चाहिए उदाहरण होने चाहिए, मतलब भिन्नता के आधार पर होना चाहिए, मतलब एक ही एक ही उदाहरण को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, अलग अलग टाइप से उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चों को उसके बारे में क्या हो नॉलेज डेवलप हो सके। उदाहरण की भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल सुबोध स्पष्ट होनी चाहिए जो बच्चों को इजी गर्ल में समझ में आए। छात्रों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए उदाहरण, जिससे छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। हाई लेवल के एग्जाम्पल्स हमें यूज में नहीं लेना चाहिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या देना चाहिए उदाहरण देना चाहिए कक्षा के अंदर। तो ये माना जाता है जो उदाहरण पहले दिए वो विद्य लेखांकन के बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रैक्टिकल बेस है, तो प्रैक्टिकल में भी बहुत से उदाहरणों के माध्यम से भी बच्चों को क्या करना चाहिए वो ज्ञान जो है वो स्थायी रूप से अर्जित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को क्या करना चाहिए कक्षा में बताना चाहिए। यह आपकी उदाहरण प्रविधि कम्प्लीट हो गई। स्पष्ट कीजिएगा, ये सुरक्षित है। थैंक यू।